नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्थी हर माह में आती है और हर माह गणेश भगवान की चतुर्थी के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। संकटों को हरने वाले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन अगर आप भगवान गणेश को गेहूं अर्पित करते हैं और उन गेहूं से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर घर में कोई भी संकट है, लड़ाई क्लेश का माहौल है या फिर लक्ष्मी की कमी है, तो आप इस गेहूं से अपने घर में हर विघ्न को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में विधिवत पूजन कीजिए। जैसा आप पूजा करते हैं वैसा आप पूजा कर लीजिए। उसमें आपको गेहूँ अर्पित करना है। एक कटोरी में आपको गेहूं रख करके अर्पित कर दीजिए और पूजा हो जाने के बाद में, कुछ देर के बाद में, उन गेहूं को उठा करके अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, या फिर कोई व्यक्ति जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो नौकरी व्यापार के लिए जा रहा है या व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो व्यापार के स्थान पर थोड़े से गेहूं को आप रख दीजिए। और जो व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी जेब में भी थोड़े से गेहूं को रख दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति के कारोबार से जुड़ी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में, अगली चतुर्थी आने तक उसकी नौकरी भी लग जाएगी। आपके घर में धन दान की कमी है तो आप अपनी तिजोरी में थोड़े से गेहूं रख दीजिए, किसी कपड़े में बांध कर रखिए या फिर आप एक कटोरी में रख करके रख सकते हैं। और जहाँ भी आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपने घर के मंदिर में थोड़े से गेहूँ रख दीजिए। उन गेहूँओं को जगह जगह पर आप रख दीजिए। जो भी समस्या चल रही है उस जगह पर रख दीजिए। जिस व्यक्ति के साथ समस्या चल रही है उस व्यक्ति की जेब में रख दीजिए थोड़े थोड़े गेहूं रख करके। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ उन गेहूं से हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपाय है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।